एक दिन तिहार जेल में बोलेश नाम का एक बड़ा बिल्डर खैदी बनकर आया। उसको मुन्ना नाम का और एक खैदी के सेल में डाल दिया। सर, आप तो बड़े बिल्डर हो ना, क्या अपराध करके जेल में आए हो सर? मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है यार, मैंने आजकल बनाया हुआ 2-3 फ्लाईओवर टूट कर गिर गए हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 100 लोग मर गए होंगे, इतना के लिए मुझे 7 साल के लिए जेल में डाल दिया है यार। तब मुन्ना चौंक गया। लंच टाइम पर खैदियों को रोटी दिए। बोलेश का प्लेट को मुन्ना को देकर, इस जेल का रोटी मुझे खाने की जरूरत नहीं है, इसको भी तुम खा लो, मैं सेल के अंदर जा रहा हूँ। फिर आप क्या खाओगे सर? मटन बिरयानी खाने को सोच रहा हूँ यार। तब मुन्ना को कुछ समझ में नहीं आया। मुन्ना सेल के अंदर जाकर देखा तो बोलेश मटन बिरयानी खा रहा था। तब मुन्ना चौंक गया, सर ये कैसे आए हैं सर? वैसे ही बोलेश सेल में कई तरीके के खाना खाने लगा। एक दिन मुन्ना, सर ये टेंशन में नहीं जेल पा रहा हूँ सर, आपका खाने का राज क्या है बताइए सर प्लीज। तुम अच्छे हो इसलिए तुमको सच बता रहा हूँ, इस जेल को मैंने ही बनवाया था, मैंने जो किया उन क्राइम्स के लिए एक ना एक दिन जरूर मुझे इधर आना पड़ेगा, ये मुझे मालूम था, इसलिए इसके अंदर में अंडरग्राउंड टनल्स बनवाया, हर सेल को इस अंडरग्राउंड टनल के साथ कनेक्शन लगाया, आ जाओ दिखाता हूँ। कहकर सेल का फ्लोर से पत्थर को उठाया और दोनों अंडरग्राउंड टनल में घुस गए। उस टनल में थोड़े दूर जाने के बाद एक जगह में सीढ़ियां थे, उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर गए, देखा तो वो एक होटल था। मुन्ना तो चौंक गया, ये होटल तो हमारा ही है। अरे ओ वेटर, हम दोनों के लिए 2 चिकन बिरयानी, 1 फुल तंदूरी, केक्स और आइसक्रीम्स को पार्सल करो, टाइम नहीं है, टनल में ही खाते खाते जाएंगे। तब मुन्ना खुशी से फूले समा नहीं पा रहा था। वो दोनों बिरयानी केक्स आइसक्रीम्स को लेकर टनल में खाते खाते गए और वापस उनके सेल में पहुंच गए। वैसे ही वो लोग रोज टनल से जाकर बिरयानी लाने लगे। एक दिन जेलर सुबोध उनके सेल के पास आया। तब बोलेश और मुन्ना अच्छा बिरयानी खाके अच्छे से खराटे लेके सो रहे थे। ये क्या है, इनके सेल से बिरयानी का खुशबू आ रही है, ये फ्लेवर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जैसा लग रहा है, सोचा। एक दिन सुबोध उनके फैमिली के साथ बोलेश के होटल में गया। तब एक सर्वर आके, नमस्ते सर, आप तो हर हफ्ते आते हैं ना, मगर लास्ट वीक क्यों नहीं आए हैं सर? कुछ काम में फंस गया था इसलिए नहीं आ पाया, हमारा फेवरेट बिरयानी को लेके आओ। फिर वो बिरयानी को लाके दिया। उस बिरयानी का खुशबू को सूंघते ही सुबोध को जेल में जो खुशबू आया वो याद आया। एक दिन मुन्ना सुबोध से, अच्छा सर मुझे एक डाउट है, आपको इतना इजी एक्सेस है ना, लेकिन आप इतने दिन भागे क्यों नहीं हो? मुझे बाहर दुश्मन से बहुत खतरा है यार, बाहर से ज्यादा जेल ही सेफ लगता है, अब मेरा लोग मेरे एनिमीज को एलिमिनेट किया है ऐसा सुनने में आया, कल ही मैं एस्केप हो रहा हूँ, तुम भी आओगे क्या? नहीं सर, नहीं सर, आने वाले महीने ही मैं जेल से रिहा हो रहा हूँ, लेकिन मैं अंडरग्राउंड टनल से रोज आपके होटल से बिरयानी लेता हूँ सर, प्लीज। ओके, उसमें क्या है, ले लो ले लो। अगले दिन बोलेश टनल के अंदर घुस के वहां से चला गया और फिर उसके होटल में पहुंचकर बाहर आया। फिर उधर देखा तो सुबोध पुलिस के साथ था। अच्छे से बिल्डिंग को ना बनाकर अंडरग्राउंड टनल बनाओगे? अब से तुम्हारा जेल ये तुम्हारा टनल ही है, इसको सब तरफ से बंद करवा के एक छेद से तुम्हें जेल का रोटी देंगे, अब तुम्हारा जिंदगी चूहे का जैसा होगा, कहकर उसको बहुत पीटा। उस दिन से बोलेश उसके टनल में रहने लगा और उन लोगों का दिया हुआ सड़ा हुआ रोटी खा के जीने लगा। एक गांव में एक परिवार खाना बनाने का काम करते हुए जीता था। उस परिवार के बड़े का नाम चौहान था। चौहान की एक पत्नी और लड्डू नाम का एक बेटा था। वो तीनों मिलकर शादियों में और दूसरे शुभ अवसरों में भोजन बनाकर परोसते थे।
ऐसे वे लोग बहुत पैसे कमाते थे। लड्डू दिखने में बहुत मोटा था मगर वो बहुत कम खाता था। ये देखकर उसके पिता, बेटा लड्डू सिर्फ दो इडली ही खा रहे हो, इतना कम खाना खाए तो तुम्हें शक्ति कैसे मिलेगी, और चार इडली खाओ बेटा, कहा। तो लड्डू, नहीं पिताजी, जितना कम खाए तो सेहत के लिए उतना अच्छा होगा कहकर लोग कहते हैं ना, दोपहर तक भूख नहीं लगने के लिए ये दो इडली बस है पिताजी, यूँ कहता था। एक बार वो लोग खाना पकाने के सामान लेकर पड़ोस गाँव को जा रहे थे, थककर रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक गए। उस पेड़ के ऊपर एक राक्षस था, वो बहुत बड़ा भुक्कर था। वो इन तीनों को खाया तो कितना अच्छा होगा, मगर तीनों को एक साथ खाए तो कल फिर से भूख लगेगी ना, इसलिए आए दिन भूख मिटे जैसे कुछ इंतजाम करना होगा। सोचकर वो राक्षस पेड़ के ऊपर से नीचे कूद कर लड्डू के अंदर घुस गया। लड्डू तब अब मुझे खाने की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना चाहे उतना खा सकता हूँ, कहा। चौहान तब, ऐसे क्यों बात कर रहे हो बेटा, तुम्हें खाने के बारे में बात करते हुए मैंने कभी नहीं देखा, कहा। लड्डू तब, वो मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होकर उसे एक केला दी। लड्डू तब, माँ भूख नहीं मिटी, और कुछ है तो दो, कहा। माँ तब, बेटा लड्डू अब हम शादी में खाना बनाने के लिए ही जा रहे हैं ना, वहाँ बनाकर खिलाऊंगी, चलो, बोली। ऐसे वो लोग शादी में खाना बनाए। खाना बनने के बाद लड्डू सारा खाना अकेला ही खा गया। ये देखकर उसके माँ बाप दोनों दंग हो गए। पिता तब, ये क्या है रे, सारा खाना तुम ही खा गए, अब शादी वालों से मैं क्या कहूँ, कहा। लड़की वाले आकर चौहान को खूब डांटे। लड़की के पिता, क्यों भाई चौहान, नाटक कर रहे हो क्या, क्या तुम्हारा बेटा सारा खाना खा गया, ये हम कैसे माने, कहा। एक औरत, भोजन बनाए बिना ही बेटा खाया है कहकर कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हमारे दिए एडवांस के पैसे खर्च करके अब झूठ बोल रहे हो क्या, ए शराफत से सच बोलो नहीं तो गांव में पंचायत रखूंगी, बोली। चौहान तब, माँ सच में मेरे बेटे ने ही सारा खाना खाया है, माँ मेरा यकीन कीजिए, आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा, मगर गांव में पंचायत मत रखिए, कहा। चौहान कहे जैसे ही उन्हें पैसे देकर झगड़ा सुलझाया। बाद में चौहान, बेटा लड्डू ये सब क्या है, क्या तुमने ही उतना सारा खाना खाया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कहा। लड्डू तब, नहीं खाए तो खाओ खाओ कहते हो, खाए तो उतना क्यों खाए कहकर डांटते हो, ये सब क्या है पिताजी, ऐसे ही चला तो मैं घर से चला जाऊंगा, देखो, कहकर धमकाया। ऐसे फंक्शन होते तो वहाँ लड्डू खाना बिरयानी ये सब खाने लगा। चौहान लोगों से डांट खाकर उन्हें पैसे देने लगा। एक बार लड्डू एक फंक्शन में का सारा खाना खा गया। बाद में उनसे झगड़ा हुआ एक आदमी, क्यों भाई चौहान आजकल तुम ऐसे तैयार क्यों हुए, क्या ये लोग सच कह रहे हैं, ऐसे ही चला तो तुम्हें काम कौन देगा, मुझे तो लड्डू उतना सारा खाना नहीं खाएगा कहकर लग रहा है, कहा। लड्डू तब, ये क्या जी, अभी मैंने तो सिर्फ 50 किलो मटन बिरयानी ही खाया है, मुझे वही बस नहीं हुआ, मैं तो 500 किलो मटन बिरयानी भी खा जाऊंगा, जानते हो, कहा। वो आदमी तब, ओहो तो तुम उतने बड़े सूरमा हो, देखेंगे वो सच है कि नहीं, मैं गांव में सबको बुलाऊंगा, उनके सामने ही 500 किलो मटन बनाऊंगा, तुम्हें उनके सामने खाना होगा, अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा, कहा। ऐसे अगले दिन सारे लोगों के सामने वो लोग 500 किलो मटन बिरयानी बनाए। लड्डू सबके सामने 500 किलो मटन को आसानी से खा गया। वो आदमी तब, बाप रे ये इंसान है या राक्षस, रे अब से कोई भी इन्हें काम के लिए मत बुलाओ, ये लो भाई तुम्हारे 1,00,000 रुपए, कहकर पैसे दिया। तब लड्डू के अंदर से वो राक्षस बाहर आया। उसे देखकर सब डर गए। राक्षस तब, श्रीमान आप डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, बेचारा लड्डू मासूम है, मैं ही मेरे भूख को मिटाने के लिए उसके अंदर घुस गया था, मगर अब मेरे वजह से ही उन लोगों को काम नहीं मिलेगा, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लड्डू मुझे माफ करो, कहकर वहाँ से वो राक्षस गायब हो गया।
बाद में लड्डू का परिवार फिर से खाना बनाते हुए खुशी से जीने लगा।